close till I get up. Time is... Hello दोस्तों, कैसे हो? आज क्लास 11th का एक टॉपिक है, फिजिक्स का एक टॉपिक है, मात्रकों की पद्धतियां. कौन सा टॉपिक है? मात्रकों की पद्धतियां. मात्रकों की पद्धतियां बोल दो या प्रणालियां बोल दो. अर्थात सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट. क्या है? बहुत वर्षों पहले विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन प्रणालियों का उपयोग करते थे. बहुत वर्ष पहले मापन के लिए अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रणालियों का उपयोग किया, यानी यूनिट का उपयोग करते थे, जो निम्न प्रकार हैं. वैसे मुख्य तो होती हैं तीन, CGS, MKS, FPS. पहली है CGS. कौन सी बेटा? CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. इसका दूसरा वैज्ञानिक नाम है था, जो यहां पर प्रयोग की जाती थी, फ्रांसीसी प्लान, फ्रांसीसी सिस्टम था. अर्थात यह सिस्टम CGS को यांत्रिकी की यूनिट होती है तीन, लंबाई, लेंथ, मास एंड टाइम. इन तीनों को क्रमशः, लंबाई को सेंटीमीटर, ग्राम को द्रव्यमान को जी को ग्राम द्रव्यमान, और समय को सेकंड से नापते हैं. समझ में होगा? CGS, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड, यानी लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड से मापते हैं. दूसरी बात आती है FPS प्रणाली. FPS प्रणाली यानी इसको कहते हैं ब्रिटिश प्रणाली. कौन सी? ब्रिटिश, ब्रिटिश सिस्टम. कौन सा सिस्टम है ये? ब्रिटिश सिस्टम है. अर्थात यांत्रिकी के लंबाई, द्रव्यमान और समय को, लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः, लंबाई को F का मतलब लंबाई जो नापी जाती है फुट, द्रव्यमान पौंड, S सेकेंड, यानी FPS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः फुट पौंड सेकेंड में ही नापते हैं. समझ में होगा बच्चों? इसी प्रकार एक तीसरी प्रणाली है MKS. कौन सी बेटा? MKS, MKS प्रणाली. अर्थात इसका बोला जाता है नाम मैट्रिक मीट्रिक प्रणाली, मैट्रिक सिस्टम. मैट्रिक सिस्टम को लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय को क्रमशः, एन का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम,
एस का मतलब सेकेंड, मतलब लंबाई द्रव्यमान समय को क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में मैं ही नापते हैं। समझ में आया होगा? यानी श्रेणीमात्रकों की जो पद्धतियां हैं वो तीन प्रकार की, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। एक अगली पद्धति होती है एसआई, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम है। क्या है? सन 1971 में मापतौल समिति ने एक निर्धारित सिस्टम दे दिया था, अर्थात यह मापतौल समिति के द्वारा प्रमाणित कोई भी चीज हो, प्रमाणित होगी तो उसको मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहा गया है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम डी यूनिट ड्राइव यूनिट। डी शब्द का मतलब है यहां पर ड्राइव यूनिट। समझ आया? देन तो जो एसआई पद्धति है वो एमकेएस पद्धति का एक दूसरा रूप है, अर्थात जो एमकेएस पद्धति है वही एसआई पद्धति, एसआई है, इंटरनेशनल सिस्टम है। समझ में आया होगा? इसके बाद आता है बेटा मूल राशि और मूल मात्रक, उस दिन बताए थे। आज के टॉपिक में है व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक अर्थात ड्राइव यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक अर्थात ड्राइव यूनिट, कौन सी यूनिट? ड्राइव यूनिट। वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे यहां पर कह दिया जाए आयतन, घनत्व, त्वरण। जैसे आयतन है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर की पावर 3। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन कहें तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड वेग का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड, बट समय का सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार बेटा मूल राशि और मूल मात्रक, मैंने उस दिन बताए थे कि 7 मूल राशियां तथा 7 मूल मात्रक होते हैं। कितनी मूल राशियां? 7 मूल राशि तथा उनके मात्रक होते हैं। इसके अतिरिक्त 2 पूरक राशियां और उनके 2 पूरक मात्रक होते हैं। जैसे उस दिन मैंने बताया मूल राशियां और उनके मूल मात्रक कौन कौन से हैं, फिर से आज बताते हैं मूल राशि और मूल मात्रक। यांत्रिकी की 3 मूल राशियां,
कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान और समय। यांत्रिकी की वैद्युत चुंबकत्व की वैद्युत धारा, प्रकाश की ज्योति तीव्रता, और ऊष्मा गतिकी की ताप। इसके बाद एक अन्य होती है पदार्थ की मात्रा। कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप, पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रक होते हैं, लंबाई का मीटर, समय को किससे डिनोट करेंगे, मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, समय का सेकेंड, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का होता है जो एम्पियर, ज्योति तीव्रता का जो होता है कैंडिला, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल। सात मूल राशियां और उनके सात मूल मात्रक होते हैं, इनको हम डिनोट किससे करते हैं, मीटर को हमेशा स्मॉल एम से ही डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी से, समय को स्मॉल एस से, एम्पियर को कैपिटल ए से, कैंडला को सीडी से, और केल्विन को के से, और मोल को मोल से। समझ में आया होगा। इसके अतिरिक्त दो पूरक राशियां और दो पूरक मात्रक होते हैं। दो पूरक राशियां कौन कौन सी? एंगल कोण और घन कोण, कोण और घन कोण। पूरक राशियां कौन कौन? कोण और घन कोण। इनके मात्रक क्या होते हैं? कोण का मात्रक बेटा सबको जानता है रेडियन, और घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। कोण का मात्रक रेडियन और घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन। इस प्रकार कितनी मूल राशियां? सात मूल राशियां और उनके सात मूल मात्रक, तथा इसी प्रकार दो उनके पूरक राशियां और उनके दो पूरक मात्रक। कौन कौन पूरक राशियां होती हैं? कोण और घनकोण, यानी रेडियन और स्टेरेडियन। थैंक यू। समझ में आया होगा? ओके।